एवरीवन, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुशहाल और आबाद होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में, और आप लोग होंगे खुश। और जो ऑफ हमने लगाया है उसको इंशाल्लाह ताला आप लोग कर रहे होंगे। ये मुझे स्पेशली मैंने अपने लिए, जो मैंने आपको ब्लैक स्टोन वाला बताया था ना, जिससे मैजिक वगैरह नहीं होते, उसकी स्पेशल तस्वीर मैंने अपने लिए मंगवाई है हदीयतन। और ये देखें, प्रॉपर उसकी स्टोन की है, इससे बहुत बेनिफिट है। सो वील स्टार्ट डूइंग इट बाय दिस, और हम दुआ करेंगे इस पाक पत्थर को हाथ में लेके कि परवरदिगार हमारा जो भी मकसद है, डिवाइन जो भी हमारा मकसद है, वो फुलफिल फरमाइए। और आफ्टर वॉचिंग दिस बहुत सारे लोगों को रीयूनियन मिले, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिले, बहुत सारे लोग अनब्लॉक हो जाए। जो जिस नीयत से देखे उससे वो मिले, बस पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो उस वीडियो को हार्ट दे और कमेंट करे, उसके ऊपर अपनी ख़ास जो है ना रहमत नाजिल फरमाए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने सिचुएशंस को माइंड में रखें, सो जर्नल रीड याद रखिएगा। इट कैन रेजोनेट, इट कैन नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, विच इज़ ऑन के व्हाट दे आर इन माइंड करंट सिचुएशन, और हम इसको पार्ट्स में कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन क्या है? ओके कब सोर्स सब कुछ आ गया। एनर्जी क्या? ओके हामिद से हमारी जो है रीडिंग स्टार्ट हुई है। सिचुएशन में जो है ना, आपके जो पर्सन है, दे आर वेरी स्टक, बहुत हार्ड ब्रेकिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो उनकी हिसाब से नहीं चल रही हैं, और इसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेस्ड है। आपके पर्सन को कुछ चीज़ों पे वो काबू नहीं पा रहे, और उनको बहुत फोर्स किया जा रहा है आपसे दूर हटा के किसी भी थर्ड पार्टी को में एंट्री करवाने के लिए, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए इमोशन मोहब्बत हैं। और बहुत डिप्रेशन में है, इस कार्ड से नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए, वो चाहते हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ में खुश रहें, लेकिन स्टेटस, रिश्तेदार, समाज उनके माइंड में डाल दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इन सब का क्या होगा कि अगर तुमने एक, यानी आप मेरी व्यूअर को पसंद कर लिया तो और अगर फॉर एग्जांपल वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर फैमिली है और अगर वो किसी चीज़ को प्रेशर कर रही है और आपके पसंद नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लानत है और समझाया जा रहा है कि जी एक के पीछे इतने रिश्ते नहीं खोते। ठीक है, करंट फीलिंग सिचुएशन में बता रहे हैं। स्टैंडर्ड्स अलहदा नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, स्टेबल नहीं हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियल डिस्टेंस हैं आप लोगों के। ठीक है, आपके पर्सन कहते हैं कि मैं इस माहौल में नहीं रहूँगा जहाँ पे मेरी कोई वर्थ ही नहीं है। ना आप लोग बहुत सारी चीज़ों पे उनके साथ कॉपरेट करते हैं, ना उनकी थर्ड पार्टी या उनकी फैमिली, तो वो कहते हैं मैं कहीं दूर चला जाऊँगा, लेकिन आप इस मामले में नहीं रहूँगा। करंट सिचुएशन में आपके पर्सन की ये स्वर्ड्स की एनर्जी है, इनका दिल चाहता है कि कट ऑफ करें इन सब लोगों को, क्योंकि इनकी वजह से लोग आपसे भी डी अटैच हो जाते हैं ना। तो कि क्योंकि समटाइम्स दे आर थिंकिंग कि हम इतनी अच्छी बंदी को, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, कि हम इतनी अच्छी बंदा या बंदी को, हम जो है ना, मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या करती हूँ या करते हैं। दे आर थिंकिंग फॉर देयर ओन सेल्फ के नहीं कर पाते, लेकिन फिर जो है ना कहते हैं कि मैं सब को छोड़ के चला जाऊं। ठीक है ना, लेकिन वो फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट कुछ कह के इसका दिल तोड़ दूँ, उससे बेहतर है मैं चुपचाप कहीं और चला जाता हूं। ठीक है, लेकिन ये जब आपसे दूर जाते हैं तो ये खुश नहीं रह पाते। ठीक है, आप अलग है, इनको ब्लेम करते हैं, वो आपको करते हैं। आप इन्हें कहते हैं कि जो है ना, ये मुझे नहीं समझते, इसे मेरी कदर नहीं है, इसके वो मेरे पास जो है ना इमोशन नहीं है। आप ये कहते हैं कि अपनी लाइफ में मगन रहते हैं, मज़े कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं उनके लिए, और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि उनके जो पर्सन है वो इमोशन लेस हों, बट हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको जज करना है कि इमोशनल है या नहीं है, वो तो प्राइवेट में ही पता लगता है। आपके लिए तो जर्नल है, तो आप जो रेजोनेट करे वो ले अपने ऊपर। प्राइवेट बुक रीडिंग्स ओपन है, ऑफ भी लगाया हुआ है मैंने। ठीक है,
अब हम करंट सिचुएशन अगर मैं देखूं कि अभी जो रीडिंग्स देख रहे हैं मेरी, उनके लिए क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन, ठीक है? ओ वाओ, नाइट्स ऑफ सोर्ड्स, इमोशंस आर वेरी हाई। कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि क्या है उनके दिल में आपके लिए, आपके दिल, अपने दिल में उनके पास बहुत कुछ है आपके लिए। हालत उनकी ख़राब है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है उनको आपको लेके, लेकिन ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे प्यार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओ वाओ, इमोशन, फीलिंग, लव्स और रिश्त, जजमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन लोग उनके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जो है प्रेशर दे रहे हैं लोग इनकी, बहुत से लोगों की, मुझे छोटे भाई बहनों की शादियां या कुछ स्टडी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बर्डन है वो, ठीक है? बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं आपके पर्सन, तो नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई चीज़ को, कोई ना कोई ऐसी